चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। 45% वायरल फीवर के मरीज बढ़े हैं। आई फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया। आई फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आंखों के संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों सावधानी बरते। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है। आई फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। दरअसल 45% वायरल फीवर के मरीज अब अस्पतालों में बढ़ने शुरू हो गए हैं। राजधानी भोपाल में बार बार बदल रहे मौसम के चलते अब लोगों की सेहत पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार शहर में वायरल फीवर, फ्लू और इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में भी इस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारे साथ इस वक्त है अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। उनसे जानेंगे कि अभी क्या माहौल है और कैसे बिगड़ते माहौल में सावधानी रख सकते हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि वायरल फीवर और कंजक्टिवाइटिस के खास तौर पर मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पताल में अभी क्या स्थितियां हैं? अभी कंजक्टिवाइटिस स्पेशली बढ़ रहा है क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है, कभी गर्मी कभी बरसात इस तरह की हो रही है। तो कंजक्टिवाइटिस के मरीज इस बार इस साल कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, तो इसमें सावधानी रखने की जरूरत है कि कंजक्टिवाइटिस के मरीज जो भी हैं वो चश्मा लगा के रखें और इसके जो लक्षण है जैसे आंखें लाल होना, खुजली होना, आंखों से पानी आना, सूजन होना, तो इससे बचाव होने पर इमीडिएट चिकित्सक को, योग्य चिकित्सक को, आई स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका इलाज करें। और वायरल फीवर के लिए भी सावधानी रखने की जरूरत है कि आसपास कहीं पानी जमा ना होने दे जिससे मच्छर काटता है, मच्छर जो डेंगू की भी संभावना, अभी बढ़ने की संभावना है। तो और वायरल फीवर में जैसे खांसी सर्दी जुकाम के मरीज हैं उनको हिदायत दी जाती है कि वो अब मुंह पे रखकर, खांसी आए तो मुंह पे रुमाल वगैरह रखकर जो कफ एटिकेट्स हैं उसका पालन करें। और हमारे यहाँ सब तरह की सुविधा है तो हमारे यहाँ कभी भी आके मरीज इलाज करा सकता है 24 घंटे। सर, ये देखा जाता है कि जब थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे होती है तो लोग इस मौसम में बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ लेते हैं, ये कितना खतरनाक होता है और इसके लिए क्या सलाह दी जाए? ये बहुत गलत है कि बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेना, उससे रिएक्शन की संभावना रहती है, इम्यूनिटी पावर भी कम होती है, तो वो भविष्य में वो नुकसानदायक ही होता है। तो एक अच्छे चिकित्सक से, योग चिकित्सक से ही बताकर दवाई लेना चाहिए। और सरकार ने पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जगह जगह डिस्पेंसरी भी खोली हुई हैं, तो अपने घर के आसपास या जिला अस्पताल में आकर इलाज कराएं। जैसा कि हमें सिविल सर्जन सर ने बताया कि इस मौसम में जो है इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती है, पर इस बार जो है कंजक्टिवाइटिस के मरीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा है कि अगर उनकी आंखों में जलन हो रही है, पानी आ रहा है या सूजन जैसी हालात बन रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सावधानी बरते। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि ओपीडी में जो है इस तरह के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर्स लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि बदलते मौसम के बीच में अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज़ स्टेट भोपाल। और चलिए इसी बीच बड़ी